हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से आलू मटर का पुलाव। मैंने इसे अपने तरीके से कैसे बनाई हूँ, चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम अपने हिसाब से गन में पहले हम तेल डालेंगे। तेल को हम गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएंगे तो इसमें हम दो चॉप करी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा सुनहरी कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब प्याज फ्राई हो गई है तो इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। 5-6 काजू डाल देंगे इसमें। हमने जो खड़े मसाले और काजू डाले उसे हम प्याज के साथ थोड़ा सा इसे फ्राई होने देंगे। अब ये फ्राई हो गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को हम थोड़ा सा प्याज के साथ भून लेंगे। अब ये अदरक लहसुन प्याज के साथ अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम चॉप करी हरी मिर्ची और टमाटर डाल देंगे। इसे भी सॉफ्ट होने तक इसे हम पका लेंगे। अब टमाटर थोड़े पक गए हैं। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम मटर डाल देंगे 1/2 कटोरी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1/2 कटोरी दही डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मटर और आलू को हम मसालों में बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। गाइस, मैंने इस पुलाव को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, बहुत ही कम मसालों में। 1 चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। अब मसाला बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। हमने 1 गिलास चावल लिया है तो इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूंगी। पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको हम ढक के रख देंगे। मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला है पर वीडियो स्किप हो गया। अब पानी में उबाल आ गया है। अब हमने जो चावल धो के रखे थे हम उसको डाल देंगे इसमें। ये घर के जो हम रोज़ के चावल खाते हैं उसी से मैं यही चावल से पुलाव बना रही हूँ। अब चावलों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती पुदीना डाल देंगे। 1 नींबू का जूस डाल देंगे जिससे हमारे चावल खिले खिले बन के तैयार होंगे। अब हम इसको ढक के रख देते हैं। अब 2-3 मिनट हो गए, हम चावल को खोल के देख लेते हैं। अब हल्के हाथों से इसे हम मिक्स कर देंगे। अब हम ढक के इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे धीमी आंच पर। अब हम पुलाव को खोल के देख लेते हैं। देखिए, आलू मटर का पुलाव मज़ेदार बन के तैयार है। मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये पुलाव बना के तैयार करा है, बहुत ही कम मसालों में। अगर ये मटर आलू का पुलाव आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।